नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एडुकेशन। आज हम लोग रियल नंबर्स पर चर्चा करेंगे। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। लर्निंग पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर इज यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, revisiting of irrational number, and at last जो आपका चौथा पॉइंट होगा revisiting of rational number and their decimal expansion। तो आइए एक एक करके इसके बारे में चर्चा करते हैं। real numbers, सबसे पहले रियल नंबर के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ नंबर पर कंसीडर कर लेते हैं। कुछ नंबर्स पर कंसीडर करते हैं, सपोज करते हैं ये नंबर्स हैं आपका 3, 4। एक रेडिकल या रूट वाला नंबर ले लेते हैं, एक फ्रैक्शनल नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 8/9। वन बाय वन वी डिस्कस अबाउट दीज नंबर्स, एक एक करके ये सारे नंबर को डिस्कस करते हैं। 3, 4, √5, 8/9, ये सारे के सारे नंबर आपका रियल नंबर्स हैं। अगर हम इसको एनालिसिस करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के आधार पर यदि इसको एनालिसिस किया जाए तो 3 आपका नेचुरल नंबर हो सकता है, 3 आपका होल नंबर हो सकता है, 3 आपका इंटीजर हो सकता है। इट मीन्स दैट 3 कैन बी इंटीजर, 3 कैन बी होल नंबर, 3 कैन बी नेचुरल नंबर। सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। जितने भी हॉल नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपका रियल नंबर्स हैं, और जितने आपके इंटीजर हैं ऑल इंटीजर्स आर द रियल नंबर्स। अब उसी तरह से सिमिलरली 4 पर कंसीडर करें तो 4 भी आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा, हॉल नंबर हो जाएगा और इंटीजर हो जाएगा। इट मीन्स दैट ऑल इंटीजर्स आर द रियल नंबर्स, ऑल हॉल नंबर्स आर द रियल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर द रियल नंबर। लेकिन ये सारे के सारे रियल नंबर्स जो है इट कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। सारे के सारे रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स हॉल नंबर नहीं हो सकते हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स इंटीजर नहीं हो सकते हैं। इट मीन्स दैट रियल नंबर्स में कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो ना तो नेचुरल नंबर है और ना ही हॉल नंबर है और ना ही आपका इंटीजर है। इट मीन्स दैट वो नंबर कौन सा है, यहाँ पर इसको भी जानने का प्रयास करें। अगर रूट फाइव पर हम कंसिडर करते हैं तो रूट फाइव का जैसे ही हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ऑटोमेटिक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब किसी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, अगर रूट फाइव का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट इज कन्वर्टेड इनटू द डेसिमल। तो जब किसी वैल्यू को किसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो डेसिमल फॉर्म आपका टर्माइनेटिंग, इट कैन बी द टर्माइनेटिंग, या टर्माइनेटिंग हो सकता है या शांत हो सकता है, इट कैन बी टर्माइनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग। ये आपका नॉन टर्माइनेटिंग मतलब अशांत हो सकता है, और अशांत के साथ साथ ये नॉट रिपीटिंग या फिर रिपीटिंग, तो रिपीटिंग हो सकता है माने आवर्ती हो सकता है।
फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। अगर आप किसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये तीन ही आएगा, टर्मिनेटिंग, फिर आपका नॉट टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रेकरिंग और नॉट रिपीटिंग, ये तीन के अलावा कुछ नहीं होगा। तो आपका नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग जो होगा वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट अगर रूट फाइव को अगर हम लोग करते हैं तो रूट फाइव ऑटोमेटिक जब डेसिमल में आएगा तो आपका किस में आ जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग में आ जाएगा। तो रूट फाइव आपका रियल नंबर्स है, बट दिस इज नॉट द नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये आपका हॉल नंबर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, तो ये क्या है तब, दिस इज द इरेशनल नंबर, ये आपका इरेशनल नंबर है। इट मीन्स दैट ऑल इरेशनल नंबर्स आर द रियल नंबर्स। अब 8/9 पर हम कंसिडर करते हैं, तो ये जो है आपका फ्रैक्शनल फॉर्म या भिन्नात्मक रूप में लिखा गया है। तो किसी भी नंबर को अगर हम भिन्नात्मक रूप में लिखते हैं तो a by b, वेर a एंड b आर द इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू जीरो, a by b इट मीन्स दैट a आपका डिनोट करेगा नामेरेटर को और आपका b यहाँ पर डिनोट कर रहा है डेनोमिनेटर को, तो डेनोमिनेटर नेवर विल बी जीरो। तो ये आपका यदि कोई नंबर को हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं और देर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी अदर देन वन, यदि ए और बी में वन के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम लोग उसको कहते हैं रेशनल नंबर। ये है ये जो पी बाई की के फॉर्म में जो है वो रेशनल नंबर है, प्योर रेशनल नंबर है। अगर कुछ कॉमन फैक्टर आ जाता है, यदि हम इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में लिखें तो 16/18 या 24/27 ये आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 8/9 हो जाएगा। तो 8/9 ही यहाँ पर प्योर रेशनल नंबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर जैसे ही देखते हैं तो एक यहाँ देखिए रेशनल नंबर आ गया, फिर इरेशनल नंबर आ गया, और 3/4 जो था आपका नेचुरल नंबर था, फिर आपका इंटीजर था और फिर आपका हॉल नंबर था। तो इट मीन्स दैट यहाँ पर बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इफ एनीबडी आस्क अस व्हाट डू यू मीन बाय द रियल नंबर्स, इट मीन्स दैट रियल नंबर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में आ जाएगा, एक आपका होगा रेशनल एक हो जाएगा इरेशनल। इट मीन्स दैट 8/9 आपका रेशनल है और 3/3 को भी हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में या ए बाई पी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये 3/1 हो जाएगा, ये 4/1 हो जाएगा, तो 3 भी आपका रेशनल नंबर, 4 भी आपका रेशनल नंबर। 3 का हम लोग एनालिसिस यहाँ पर कर चुके हैं, 3 इट मीन्स दैट नेचुरल नंबर, हॉल नंबर और इंटीजर। तो ये नेचुरल नंबर, हॉल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर के साथ साथ रेशनल नंबर भी है। तो सिमिलरली 4 भी यहाँ पर आपका रेशनल नंबर हो जाएगा और ये रूट फाइव जो है आपका इरेशनल नंबर। अब पूरा का पूरा ये नंबर दो पार्ट में आ गया, एक आपका रेशनल और दूसरा आपका इरेशनल। तो द सेट ऑफ द रियल नंबर्स इज जनरली डिनोटेड बाय आर, तो द सेट ऑफ द रियल नंबर्स इज जनरली डिनोटेड बाय R, R के द्वारा इसको जनरली डिनोट किया जाता है। अब इसके थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पर कंसिडर कर लेते हैं, तो ये आपका नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर को हम लोग जनरली M से डिनोट करते हैं, हॉल नंबर को जनरली W से डिनोट करते हैं और इंटीजर को जनरली Z से डिनोट करते हैं। और आपका इंटीजर, देर आर टू टाइप्स ऑफ द इंटीजर, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। आपका फिर यहाँ पर थोड़ा सा इसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, लेट्स सी हियर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, ये देखिए रियल नंबर्स दो पार्ट में आ गया, एक आपका रेशनल नंबर, ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग अभी तुरंत ही डिस्कस किए कि ऑल नेचुरल नंबर, ऑल हॉल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर एंड ऑल फ्रैक्शनल नंबर्स आर द रेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर इट मीन्स दैट वैसे नंबर विच आर नॉट द रेशनल, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल हो जाएगा, या इजिली वी आइडेंटिफाई द इरेशनल नंबर विद द हेल्प ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर। तो अगर एक नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दें और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद यदि उसका डेसिमल फॉर्म आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग या नॉन रेकर्डिंग हो तो हम लोग उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। होप दैट यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इट मीन्स दैट अगर हम रियल नंबर दो पार्ट, रेशनल और इरेशनल, आपका रेशनल नंबर यहाँ दो पार्ट फ्रैक्शन में आ जाएगा, ऑलरेडी बता चुके थे, और फिर इंटीजर आ जाएगा। इंटीजर फिर आपका दो पार्ट में आ जाएगा, आपका नेगेटिव आ जाएगा और हॉल नंबर आ जाएगा। फिर हॉल नंबर आपका दो पार्ट में आ जाएगा, जीरो और नेचुरल नंबर। अगर हम यहाँ पर देखिए टॉप टू बॉटम मूव किए, रियल नंबर से आए और एट लास्ट हम लोग आ गए नेचुरल नंबर। अब हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं बॉटम टू टॉप। तो नेचुरल नंबर में यदि जीरो को हम लोग इंक्लूड कर देते हैं तो हमको जो नंबर मिलता है वो हॉल नंबर है। अगर हॉल नंबर में हम नेगेटिव इंटीजर को, मतलब सारे नेचुरल नंबर जिसमें नेगेटिव साइन लगा हुआ हो तो उसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं। तो हॉल नंबर में यदि हम नेगेटिव इंटीजर को इंक्लूड कर देते हैं या शामिल कर देते हैं तो हमको फिर मिलता है इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स में हम फ्रैक्शन को इंक्लूड कर देते हैं तो हमको मिलता है रेशनल नंबर। और फिर रेशनल नंबर में यदि सारे इरेशनल नंबर को मिला देते हैं तो हमको मिलता है रियल नंबर। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। और इस तरह से रियल नंबर का कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है। अब आइए लेट्स सी इसके हम लोग लर्निंग पॉइंट्स को देख लेते हैं। इस चैप्टर का जो आपका लर्निंग पॉइंट्स जो होगा, आपका फर्स्ट लर्निंग पॉइंट्स है आपका यूक्लिड्स, डिवीजन, लेमा और अल्गोरिदम। तो इसका दूसरा लर्निंग पॉइंट है फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम। तीसरा आपका है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। आपका फोर्थ लर्निंग पॉइंट है रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपका इस चैप्टर का फोर ही लर्निंग पॉइंट्स है। और अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इस चैप्टर में फोर एक्सरसाइज है, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल बी रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आपका मेरा अगला वीडियो लेक्चर जो होगा ये दो ही टॉपिक से रिलेटेड होगा। और फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा जो आपका रिविजिटिंग इरेशनल नंबर और रिविजिटिंग रेशनल नंबर के कंसेप्ट पर होगा। ये सारा कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, फिर 1.2 को सॉल्व करेंगे, 1.3 को सॉल्व करेंगे और एट लास्ट 1.4 को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर को ओवर करने के साथ ही इस चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट को
हम सॉल्व करेंगे और टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इस एपिसोड इट मीन्स दैट देयर विल बी 3 to 4 वीडियो लेक्चर, इससे रिलेटेड 3 से 4 वीडियो लेक्चर होगा और आप वन बाय वन देखेंगे तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी टिल द डिटेल्स अबाउट टिल द लास्ट डिटेल्स अबाउट द रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के लास्ट डिटेल्स तक आप हमारे साथ बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।